सीएए पर अरविंद केजरीवाल की बयानी बंदूक चली। केजरीवाल के बयान से बीजेपी में क्यों मची खलबली? बीजेपी की नीयत पर अरविंद केजरीवाल को क्यों है शक? सीएए से पाकिस्तानी छीन लेंगे हिंदुस्तानियों का हक। संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीएए को लेकर देश में भयंकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी हो रही है। इसी बयानी संग्राम के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएए को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिससे बीजेपी में खलबली मच गई है। सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या वाकई सीएए से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत आए लोग हिंदुस्तानियों के हक छीन लेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार सीएए के जरिए पाकिस्तानियों को हमारे घरों में बसाना चाहती है। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि तीन देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीन देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना, बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोज़गार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोज़गार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं, हमारे रोज़गार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद बीजेपी नेता आग बबूला हो गए। आनन फानन में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, अरविंद केजरीवाल पर सवाल दाग दिया कि आखिर वो वोट बैंक की राजनीति के लिए कहां तक जाएंगे। केजरीवाल का एक बहुत ही विचित्र वक्तव्य आया है कि सीए के आने से बाहर के लोग नौकरी लेंगे। ये कौन सा तर्क है? न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी, वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे? कुल मिलाकर सीएए को लेकर ताबड़तोड़ बयानी तीर छोड़े जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से आरोपों और सवालों की दनादन बंदूक चलाई जा रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के बयान ने इस जुबानी जंग को और तेज कर दिया है और कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।